नमस्कार किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी को लेकर योगी सरकार की ओर से दो नए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ये दो नियम जानना आपको बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि योगी सरकार किसानों के कर्ज माफ को लेकर क्या फैसला लाई है और कौन से किसानों को कितना कर्जा माफ होगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जानना जरूरी है, आप तभी उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी के बारे में समझ पाएंगे। आगे आपको पूरी जानकारी बताएंगे। अगले 3 से 4 मिनट का समय आपको देना होगा किसान भाइयों, आप 3 से 4 मिनट तक हमारे साथ बने रहें। अगले 3 से 4 मिनट में किसान भाइयों आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि योगी सरकार की ओर से किसान कर्ज माफी को लेकर जो दो नए बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव कौन से हैं, आप हमारे साथ बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले किसान भाइयों आपसे हमारी विनम्र भाव से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नया वीडियो बनाया जाए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए किसान भाइयों बताते हैं कि योगी सरकार ने आखिरकार किसान कर्ज माफी को लेकर जो 2 लाख की कर्जा माफी इस विधानसभा चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद घोषणा की थी कि राज्य के तमाम किसानों की 2 लाख की कर्जा माफी की जाएगी। जिस प्रकार पिछली बार विधानसभा चुनाव 2017 में विजयी होने के बाद सरकार ने 1 लाख की कर्जा माफी राज्य के तमाम किसानों को दी थी, उसी प्रकार इस बार भी विधानसभा चुनाव 2022 में 2 लाख की कर्जा माफी देश के तमाम किसानों को दी जाएगी। तो इसके चलते सरकार की ओर से क्या नया अपडेट लाए हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला अपडेट सरकार की ओर से आया है कि जिन किसानों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वह पहले किसान भाई जल्दी से अपना ऑनलाइन आधार कार्ड मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक जरूर करवा लें। दूसरा अपडेट आया है कि राज्य के जितने भी किसान जो डिफॉल्टर और अवधि पार किसान हैं, जिनका कर्जा 2018 से पहले का है, वे सभी किसान अपनी ईकेवाईसी की प्रक्रिया बैंक में जाकर पूर्ण करें। वहां पर अपनी जो ईकेवाईसी के तहत जो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर या जो भूमि के कागजात है जहां पर आपने लोन लिया है वहां से अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें। उसके बाद ही सरकार की ओर से 2 लाख की कर्जा माफी आपको अप्रैल के बाद जारी कर दी जाएगी। अभी सरकार किसान कर्ज माफी को लेकर तैयारियां भी जुट गई है। अब किसान भाइयों आपको समय नहीं लगेगा, किसान कर्ज माफी का फायदा आप जरूर अपने बैंक खातों में जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए किसान भाइयों कुछ ही दिनों तक इंतजार करें। वैसे कोई ज्यादा टाइम की बात नहीं है, अभी योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी की पहल करने वाली है, लेकिन अभी तक मेरे पास इतनी जानकारी आई है कि 2 अपडेट सरकार की ओर से दिए गए हैं। किसानों को सूचना दी गई है कि ये 2 कार्य किसान अपनी पूर्ण करें, उसके बाद ही आपको आगे की क्रिया में लाभता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई है। फिर भी किसान कर्ज माफी से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप निश्चिंत रहें किसान भाइयों, आपको किसान कर्ज माफी का लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए किसान भाइयों थोड़ा दिन इंतजार करना होगा। वैसे योगी सरकार जो कहती है वही करती है, इस सरकार में किसी प्रकार की झूठ बकवास बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको सच्चाई के साथ किसानों को कर्ज माफी का लाभ एवं मजदूरों को श्रमिक भरण पोषण जैसी कई सारी योजनाओं का लाभ आने वाले 2022 और 23 में मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे, आगे की लेटेस्ट अपडेट आपके पास हम जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है जानकारी अच्छी तरह क्लियर हो गई है, फिर भी कोई सवाल या कंफ्यूजन डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं ऐसी और कोई नई इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ किसान भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।